हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट जेब स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेस से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग चोर पुलिस वाला प्रश्न देख चुकी है। रेस टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी का ही एक पार्ट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप टाइप बाय टाइप करके नोट बनाते चले। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर की रेस में ए बी को 10 मीटर से और बी सी को 28 मीटर से हरा देता है, उसी दौर में बी सी को कितने मीटर से हरा देगा। टोटल रेस दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर रेस में ए बी और सी शामिल है, ठीक है। जब ए 100 मीटर रेस चलता है उस समय बी को 10 मीटर से हरा देता है, यानी बी 90 मीटर चलेगा, और सी को 28 मीटर से हरा देता है, यानी 100 माइनस 28 = 72 मीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है बी जब 100 मीटर चलेगा तो सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। देखिए 90 मीटर बराबर हम लोग लिखेंगे 72 मीटर, 1 मीटर बराबर होगा 72/90 मीटर। क्या बोल रहा है, बी 100 मीटर जब चलेगा तब कितने मीटर से हराएगा। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 9 से 8 बार में जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 80 मीटर। जब भी 100 मीटर चलेगा उस समय सी 80 मीटर चलेगा, यानी 20 मीटर से हरा देगा, ठीक है। यह 100 मीटर चला तो यह 80 मीटर चलेगा, बी सी को 20 मीटर से हरा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर और सी को 19 मीटर से हराता है, 200 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है ए 100 मीटर तो बी चलेगा 10 मीटर से हराता है, यानी बी चलेगा 90 मीटर। सी को 19 मीटर से हराता है, यानी सी चलेगा 81 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बी 200 मीटर की रेस में सी को कितना मीटर से हराएगा, ठीक है। फिर उसी टाइप बना देंगे, 90 मीटर बराबर 81 मीटर, 1 मीटर बराबर 81/90 मीटर। इधर 200 से गुना करेंगे, इधर भी 200 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगा, 9 से 9 बार में जाएगा, यानी जब बी 200 मीटर दूरी तय करेगा उस समय सी 180 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। बी सी को 20 मीटर दूरी से हराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ को ए 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है, इस दौर में ए बी को कितना मीटर से हराएगा। देखिए क्वेश्चन में ए और बी है, समय कितना लेता है ए 36 सेकेंड, बी कितना लेता है 45 सेकेंड। इसका चाल हो जाएगा उल्टा, ठीक है। इसका चाल हो जाता है 45, इसका चाल हो जाता है 36। हम बता चुके हैं इसके बारे में, जो इसका चाल होता है ना वही दूरी होता है, ठीक है। तो दूरी भी हो जाएगा 45 36, इस दोनों का अंतर कितना है 9 मीटर। तो बोल रहा है कि 45 मीटर जब ए दूरी तय करेगा तो बी को 9 मीटर से हरा देगा, ठीक है। तो 100 मीटर दूरी में कितने मीटर से हराएगा। देखिए 45/36 मीटर, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर बन गया, 1 मीटर = 36/45। 100 मीटर में इधर 100 से गुना करेंगे और इधर 100 से गुना करेंगे, 5 से जाएगा ये 20 बार में, यह 9 बार में, 9 से जाएगा यह 4 बार में, यानी यह 80 मीटर दूरी तय करेगा। जब यह 100 मीटर दूरी तय करेगा ए, उस समय बी 80 मीटर दूरी तय करेगा, यानी
20 सेकेंड से 20 मीटर से हरा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, ए 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इसी दूरी को 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए बी को कितना मीटर दूरी से हराता है? क्वेश्चन में ए बी है, ठीक है, ए है 3 मीटर 10 सेकंड, बी है 3 मीटर 20 सेकंड। 3 मीटर को हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 180 प्लस 10, इसको भी बदलेंगे तो 180 प्लस 10, यानी ए 190 सेकंड लेता है तो बी 200 सेकंड लेगा। ठीक है, एक सुना से एक सुना जाएगा, इसका टाइम है 19 सेकंड, तो इसका टाइम है 20 सेकंड, इसका स्पीड हो जाएगा उल्टा हो जाता है, इसका स्पीड 20 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 19। ठीक है, तो दूरी भी इसका 20 होगा, इसका दूरी 19 होगा, यानी यह 20 मीटर जब दूरी तय करेगा तो यह 19 मीटर दूरी तय करेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 1000 मीटर दूरी तय करने में कितना मीटर से हराएगा? 20 है, इधर 19 है, अगर इधर हम 50 से गुना कर देंगे तो यहां आ जाएगा 1000। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 50 से गुना करेंगे, यानी इधर आ जाएगा 950 मीटर। कितना मीटर से हराया? 50 मीटर से। ए बी को 1000 मीटर की दूरी में 50 मीटर से हरा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में कमल बिमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बिमल की चाल बताएं। देखिए, मान लीजिए यह दूरी है, ठीक है, 100 मीटर है, कमल का चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह हो गया चाल, यह दूरी हो गया 100 मीटर। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी 100/18 समय 18 किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। 18 से एक बार में जाएगा, 5 से जाएगा 20 बार में, यानी 20 सेकंड। कमल जो है ना, यह दूरी जब 20 सेकंड में पूरा करता है तो बिमल को 25 सेकंड लगेगा। ठीक है, बिमल को 25 सेकंड लगेगा, दूरी कितना है 100 मीटर, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 100/25 चलाया 4 मीटर प्रति सेकेंड। बिमल का चलाया 4 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन इसको किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 × 18/5, 18 × 72/5, इसको कटाएंगे तो आएगा 14 पर में जाएगा, 14×5=70, 2×0=5×20, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए की गति बी की गति से 2/1/3 गुना है। ए बी को 60 मीटर प्रारंभ देता है और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरा करेंगे। दौड़ की दूरी ज्ञात करें। ए है और बी है, ठीक है, बोल रहा है ए 20 की गति से, ए जो है बी की गति से 2/1/3 गुना है। ठीक है, यानी ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3×6=7/3, ए बटा बी होगा 7/3। समझ ले,
एक का जो स्पीड होगा ना वो हो जाएगा 7 और बी का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, यहां लिख देते हैं ए और यहां लिख देते हैं बी, यह हुआ 7, यह हुआ 3, यह क्या है स्पीड, तो दूरी क्या होगा और चाल क्या होगा। ठीक है, दूरी होगा इसका भी 7 और इसका 3। ठीक है, यह स्पीड है यानी चाल है, यह दूरी है। ठीक है, अंतर कितना का हुआ 4 यूनिट। अब बोल रहा है क्वेश्चन में ए बी को 60 मीटर प्रारंभ देता है, देखिए यह दूरी है। ठीक है, यहां ए है, ए बोला बी को तुम 60 मीटर दूरी आगे रहो। ठीक है, यहां बी है, प्रारंभ दे दिया 60 मीटर को, चाल का अंतर है 4 यूनिट बराबर 60 मीटर, एक यूनिट बराबर 60/4 यानी 15 मीटर। अब देखिए यह ए जो है ना, इसका चाल है 7, यह पूरा दूरी तय करेगा। ठीक है, ए जो है शुरू से लेकर अंत तक पूरा दूरी तय करेगा यानी 7 यूनिट, यानी 7 × 15 क्या आया 105 मीटर, कुल दूरी क्या है 105 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की गति बी की गति से 2 × 1/3 गुना है। ठीक है, तो हम लोग किए तो ए आया है 7, बी आया है 3। ठीक है, एक का स्पीड यानी चाल है 7, बी का स्पीड है 3। ठीक है, दूरी भी आएगा तो इसका 7 होगा, इसका 3 होगा, अंतर कितना का है 4 यूनिट का, 4 यूनिट बराबर यह जो अंतर है ना यही 60 है। ठीक है, 4 यूनिट बराबर हम लोग लिखे हैं 60, 1 यूनिट बराबर 60/4 यानी 15। अब ए जो है यह 7 के स्पीड से जाता है तो यह पूरा दूरी तय करेगा, तो एक ए जो है 7 यूनिट है, तो 7 से हम लोग 15 में गुना किए तो कितना आया 15 × 7 = 105 यानी 105 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक 500 मीटर की दौड़ में 2 धावकों ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है, इस दौड़ में ए बी से कितना मीटर से जीत जाता है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार यहां है बी, यहां है ए, कुल दूरी हो गया 500 मीटर यहां से लेकर यहां तक। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए जो है ना बी से 140 मीटर आगे है, यहां है ए, यहां है बी। ठीक है, इस दौर में ए बी से कितना मीटर से जीत जाता है, मानिए कि ये नीचे है बी, यह तो कुल दूरी तय करेगा, ए है 140 मीटर आगे भाग गया, 500 में से 140 जाएगा तो 360 यानी ए को 360 मीटर दूरी और तय करना है। ए बी का चालों का अनुपात क्या है, चालों का अनुपात है 3:4। ठीक है, अब दे दिया है ए का, ए जो 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट 360 मीटर है क्योंकि यह तो शुरू में ही तय कर चुका है, 3 यूनिट बराबर 360 मीटर, 1 यूनिट बराबर 360/3 यानी 120 मीटर। ठीक है, ए का यूनिट निकला 120 मीटर, 1 यूनिट बराबर 120 मीटर। अब बी को निकाल देते हैं, 4 यूनिट, 4 यूनिट यहां से लेकर यहां तक चला, इसका दूरी पूछ रहा है, 1 यूनिट बराबर 120 मीटर, 4 यूनिट बराबर 120 × 4 बराबर 480 मीटर यानी 500 मीटर की दूरी में बी जब 480 मीटर चलेगा उस समय ए 500 मीटर दूरी तय कर चुका है। ठीक है, यानी ए
20 मीटर से हरा देता है, ठीक है। ए जो है 20 मीटर से बी को हरा देता है। ये अच्छा लगे तो लाइक करे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करे। चोर पुलिस वाला भी प्रश्न आप लोग जरूर देख ले। टाइम एंड वर्क का यह पांचवा पाठ है, इससे पहले चार पाठ है उसे आप लोग जरूर देख ले। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको खबर मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।